One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class business. Big Tech, excellence with values. सरकार में आने के बाद काला धन के ऊपर बहुत बड़ा वार किया जाएगा, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और हर नागरिक की जेब में 15-15 लाख रुपए पहुंचाए जाएंगे। ये काला धन जो विदेशों में है उससे लाकर, लेकिन 2.5 साल तक हमने देखा कि कुछ नहीं किया गया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, मैंने उसके कुछ ही दिन बाद जून में उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था कि आपने काला धन खत्म करने की, काला धन वापस लाने की बात करी है, तो मैं कुछ आपको सुझाव उसके बारे में दे सकता हूं क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है। और मैंने उनसे बोला कि देखिए, हिंदुस्तान में कई तरीके हैं काले धन को सफेद करने के। विदेश में जो पूंजी है उसको लॉन्डर करके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के, कम से कम इस पर तो रोक लगाइए। मैंने उनको बताया कि आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपया हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, 10% से ज्यादा एफडीआई के नाम पर जो पूंजी आती है वो टैक्स हेवन से आती है, 50% से ज्यादा तो सिर्फ मॉरिशस से आती थी, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 साल पहले का तो ये हालत थी। बाकी भी बहुत सारे जो टैक्स हेवन बन गए हैं अब तो, पहले तो हम लोग सिर्फ स्विट्जरलैंड को सोचते थे कि टैक्स हेवन है, लेकिन अब तो मॉरिशस, सिंगापुर भी टैक्स हेवन बन गया, वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, इतने सारे टैक्स हेवन देश हैं दुनिया में, छोटे छोटे हैं लेकिन उनके द्वारा अधिकतर एफडीआई आ रहा है। और जब टैक्स हेवन के देश से एफडीआई आता है तब आपको ये नहीं पता लग सकता कि भाई इसके पीछे कौन है, क्योंकि टैक्स हेवन की एक खासियत ये होती है कि वो ये नहीं बताते कि उनके बैंकों में किसका पैसा है, उनकी कंपनियों में जो पैसा, वहां से जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनके पीछे कौन लोग हैं, इन सबका इन्फॉर्मेशन वो देश नहीं देते। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए, इतना लाखों